आज मैं बात करने जा रहा हूँ कश्मीर में होने वाले स्कैम की। सभी लोगों का ये एक सपना ज़रूर होता है कि हमें कश्मीर एक बार जाना है, मगर आप लोग ये समझ ले जितना अच्छा कश्मीर दूर से लगता है उतना अच्छा आपको वहाँ नहीं महसूस होगा। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आप वीडियो में देखिए। जब आप कश्मीर जाएंगे तो कहाँ कहाँ स्कैम हो सकता है ये जान लेते हैं। सबसे पहले होटल, फिर टैक्सी, शिकारा, गुलमर्ग या सोनमर्ग, पोनी राइड, हाउस बोट, ये सब जगह पर आपके साथ स्कैम होगा। कश्मीर जाना मतलब स्कैम के बीच जाना है। अगर आप कश्मीर जाना चाहते हैं तो ये वीडियो ज़रूर देख लें, जिससे आपको कश्मीर में होने वाले स्कैम से बच सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं होटल से। आप जैसे ही श्रीनगर पहुँचेंगे वहाँ आपको होटल की ज़रूरत होगी, और वहाँ जैसे ही आप उतरेंगे आपके पीछे चार पांच लोग पड़ जाएंगे। होटल लेंगे मैडम, होटल लेंगे सर, सस्ते में दिलवा दूंगा, ऐसी बातें सुनने को मिलने लगेंगी। आपको वो होटल ले जाएंगे, दिखाएंगे और 2.5 से 3 हज़ार तक प्राइस बताएंगे, लेकिन वो आपको 1500 तक रूम दे देंगे। तो आप बार्गेनिंग ज़रूर करें, और आप रूम ममता चौक या डल लेक गेट पर ले सकते हैं। और जब भी रूम ले अच्छे तरह से चेक करके ही ले, जैसे पानी, हीटर, लॉक सभी अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं। अब बताते हैं टैक्सी की। जैसे आपको अगर गुलमर्ग सोनमर्ग जाना है तो वो आपसे 5000 से 6000 मांगता है, मगर आपको लगभग 2000 से 2500 तक में जाने के लिए वो तैयार हो जाएंगे। अगर आपको शेयरिंग टैक्सी लेना में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो आपको काफ़ी सस्ता हो पड़ती है। एक और स्कैम वहाँ चलता है, जैसे ही आप गुलमर्ग से टैक्सी बुक कर लिए, अगर थोड़ी बहुत बर्फबारी हुई तो वो आपको टनमर्ग के आगे नहीं जाते हैं, और वहाँ से आपको फिर 500 रुपये देकर टैक्सी करके जाना पड़ता है। अगर बर्फबारी होती है तो ठीक है, मगर नॉर्मल दिनों में भी पुलिस से मिलकर ऐसा काम वो करते हैं। तो आप जो भी हो वो क्लियर करके ही टैक्सी बुक करें। जैसे जहाँ से आप बुकिंग किए हैं और जहाँ के लिए बुकिंग किए हैं तो आप उनसे ज़्यादा पैसा ना दें, और जहाँ तक के लिए बुकिंग किए हैं वहाँ तक जाएं। अब मैं बात करता हूँ शिकारा का। शिकारा में आप जब घूमने जाएंगे तो वो आपको 600 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से बोलेंगे, लेकिन जब आप लोग तोल मोल करेंगे तो वे 300 तक आ जाते हैं। तो आप कहीं भी जाएं कश्मीर में तो रेट को बार्गेनिंग ज़रूर करें। अब बात करते हैं गुलमर्ग या सोनमर्ग की। मैं तो गुलमर्ग गया था तो वहाँ तो गाइड लिया जाता है, वो सभी लोगों से मिले होते हैं जो आपको बर्फ़ में जाने के लिए जैकेट शू रेंट पर लिया जाता है, वो आपको 500 रुपये बोलेंगे, लेकिन आप 300 से ज़्यादा मत दीजिएगा। वहाँ पर आपको स्लेज राइड होती है जो लकड़ी की होती है, उस पर बैठकर वो लोग घुमाते हैं। तो वो लोग बोले हैं कि 3 से 4 किलोमीटर में जाऊंगा आपको लेकर, लेकिन 1 किलोमीटर से ही रिटर्न हो जाता है। यहाँ पर स्कैम होता है, आपको स्लेज का प्राइस पर पर्सन 2000 बोलेंगे, मगर आप 500 रुपये से अधिक किसी भी एक्टिविटी का मत दीजिएगा। मुझसे वो 1000 ले लिए थे। अब बात करते हैं पोनी राइड, मतलब घुड़सवारी या घोड़ा वाली राइड। इसमें भी आपको सोनमर्ग में वो बोलेंगे कि गवर्नमेंट रेट 1650, तो आप लोग को लगेगा कि गवर्नमेंट रेट से कम कैसे हो सकता है, लेकिन वहाँ पर भी आपको 800 से 1000 से ज़्यादा नहीं देना होता है। और अगर आप पैदल जा सकते हैं तो वो आपके लिए अच्छा होगा। अब बात करते हैं हाउस बोट की। सभी की इच्छा होती है कि एक दिन कम से कम हाउस बोट में बिताएं, तो हाउस बोट का आप ऑनलाइन बुकिंग नहीं करें तो अच्छा होगा। और हाउस बोट देखने के लिए आपको शिकारा लेना होता है, तो शिकारा वाले से क्लियर बात करना होगा कि हमें हाउस बोट नहीं पसंद आया तो आप कितना लोगे, क्योंकि अगर आप हाउस बोट लेंगे तो उनका कमीशन बनता है, तो वो आपसे पैसा नहीं लेंगे, या शायद कुछ लेंगे, लेकिन अगर आप हाउस बोट नहीं लेंगे तो वो आपसे अपनी मेहनत का पैसा मांगते हैं। तो जो भी हो सभी बातें को क्लियर और पॉइंट टू पॉइंट बात करके ही
कोई काम करे। और एक बात आपको बता दूँ, हाउस बोट में आप शाम 6 बजे तक में आपको अंदर चले जाना है, क्योंकि उसके बाद सिकारा नहीं चलता है। तो आप ये सोच समझ कर ही हाउस बोट ले। हाउस बोट का रेट आपको 4 से 5 हज़ार, उससे ज़्यादा भी बोला जाएगा, लेकिन आपको अच्छा हाउस बोट लगभग 1500 तक मिल जाता है। और लेने से पहले सभी फैसिलिटी को अच्छे से चेक कर ले, तभी हाउस बोट को ले, नहीं तो यहाँ भी आपके साथ स्कैम हो सकता है। मैंने जितनी भी जानकारियाँ आपसे शेयर किए हैं, सभी का मतलब यही है कि आप सतर्क रहें और प्राइस को बार्गेनिंग ज़रूर करें, क्योंकि वहाँ प्राइस ज़्यादा बोला जाता है और आपसे झूठ भी बोला जाता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।